चलो उतरो उतरो, अब घोड़ा थक गया। गिर जाए, उसे मत करो, गिर जाएगा बेटा। तो अभी हस्बैंड जस्ट ऑफिस गए, वो ड्यूटी गए अपने काम पे और मैं अपने काम पे लग गई हूँ। तो सुबह से मतलब मेरा अभी तो कुछ नहीं हुआ है, नाश्ता पानी सब हो चुका है, पर जो झाड़ू पोछा है झाड़ू हो चुका है, पोछा नहीं लगा है और वो भी गए। अभी घर थोड़ा मतलब क्या है ना, सुबह नीचे का है झाड़ू लग जाता है क्योंकि माँ पूजा करती है, तो बासी घर में तो पूजा होगी नहीं, इसलिए सुबह हो चुकी है नीचे वाला। और फिर जब मैं नाश्ता करने के बाद, अबीर को पढ़ाने के बाद, मैं फिर अपने रूम से स्टार्ट करके फिर एक बार पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। नहाने के पहले मैं थोड़ा लेट से नहाती हूँ, अभी 10:30-11 बज रहे हैं। तो हस्बैंड इस रूम में अभी काम करते हैं, इसके कारण मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो वो अभी गए, तब झाड़ू मैंने लगा लिया है, वैसे पोछा वगैरह लगाना है, नीचे भी लगाना है, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो यहाँ पे जो मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो फिर मुझे अचानक से आया कि मुझे नाइटी निकालना है। नाइटी गाउन जो होता है मैं डेली में जो पहनती हूँ, और प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं नाइटी में भी कंफर्टेबल रहती हूँ, गर्मी का मौसम है इसलिए, और मैं घर में नाइटी ही पहनती हूँ। और ठंड का दिन रहता है तो मैं सूट वगैरह कुर्ती वगैरह वो सब पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सब अलमारी से जो है नाइटी निकाल कर लाई हूँ, मेरे पास नाइटी है 5-6 अभी नाइटी है वैसे। तो मैं यही देख रही थी कि कौन सा पहनने के लिए निकालूं, क्योंकि एक दो नाइटी मेरे रिजेक्ट हो गई है, मतलब वो फट गई थी, और ये दो भी, एक दो भी जो डेली पहनती हूँ, और बारिश के दिन में 2-3 तो रखना ही पड़ता है, तो वही मैं निकाल रही थी। वैसे 5-6 है, लेकिन कोई 3/4 है, कोई स्लीवलेस है, और स्लीवलेस मैं पहनती नहीं हूँ, तो उनमें हाथ मतलब फिटिंग करनी होगी, और जो जिसके छोटे स्लीव्स हैं उनको भी फिटिंग करनी होगी, क्योंकि मैं नाइटी फिटिंग करके ही पहनती हूँ। बड़े बड़े हाथ रहते हैं, स्लीव्स रहते हैं, मुझे पहनना पसंद नहीं है, तो पापा को दूंगी। पापा जो मेरे ससुर जी हैं वो, उनको सिलाई आती है, वो फिटिंग कर देते हैं। तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा निकालूँ, तो ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाती हूँ। और ये सब जितनी नाइटी है ना, हमारे यहाँ जो है चैत के महीने में यहाँ पे सेल लगता है, तो मैं बहुत सारा एक साथ ही खरीद लेती हूँ अच्छे प्राइस पे, कम प्राइस पे, मतलब बहुत अच्छी अच्छी नाइटियाँ मिल जाती हैं। वो आपको ढूंढने के ऊपर है कि कैसे आप ढूंढते हैं, कलर पर से पसंद करते हैं, और जितनी भी नाइटियाँ हैं मेरी सब मेरे हस्बैंड ही पसंद करते हैं, मैं चॉइस करती हूँ, पर फाइनल डिसीजन उनका ही होता है, वही लाए थे। मैं तो इस बार गई नहीं थी, कोरोना के कारण सेल नहीं लगा था, एक दिन मैं गई थी पर उस दिन मिला नहीं था, तो हस्बैंड ही सब लेकर आए थे, तो वही सब मैं देख रही थी। तो एक नाइटी मैंने निकाला है, वैसे फ़िटिंग करवाना है इसलिए, और वैसे मुझे तो और भी फ़िटिंग करवाना है, पर पापा को अभी टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी दुकान भी है, दुकान भी उन्हें देखना होता है, और साथ में सिलाई भी करना होता है, तो वो सिलाई करेंगे तो उनको बाद में दूँगी, फ़िलहाल अभी एक ही देती हूँ, वो फ़िटिंग कर देंगे तो मैं फिर पहनूँगी। तो जब मैं वो नाइटी पहनूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अपना स्किन केयर कर रही हूँ, और यहाँ पे आप देख रही हूँ कि मैं फ़ैन के सामने ही जो जो करना होता है मैं कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे गर्मी से थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसके कारण जो भी मुझे करना, तो बार बार थोड़ा सा काम कर रही हूँ, फिर फ़ैन के सामने चली जा रही हूँ। और मैं इसीलिए जो है, मैं गर्मियों के दिनों में सूट वगैरह नाइटी वगैरह जो नहीं पहनती, मुझे अच्छा नहीं लगता है ब्लॉग में नाइटी पहनना, पर क्या करूँ, मुझसे गर्मी भी नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, ब्लॉग में तो ऐसे ही रहते हैं। गुड इवनिंग, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अभी चाय बना रही हूँ, हमारा पीना हो चुका है, अभी अबीर के ट्यूशन सर आए हैं तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ, और छोटा सा ये पतीला है, उसमें मुझे 1 कप या 2 कप चाय बनाना होता है, मैं इसी में बना लेती हूँ, तो अभी उनको चाय देकर आती हूँ, अभी ट्यूशन पढ़ रहा है। तो फिर देखिए टाइम अभी अंधेरा नहीं हुआ है, 6:15 बज रहा है इसलिए, और खाने की तैयारी करूँगी, खाने में क्या बनाना है माँ से पूछती हूँ, वैसे परवल रखी हुई फ्रिज में तो शायद उसी की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर जो मैंने चाय बना लिया है और मैं अभी ट्यूशन सर को चाय देने के लिए जा रही हूँ, तो अभी जो ट्यूशन है वो ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि फिर नीचे पड़ेगा तो कोई सबका, लोगों का आना जाना रहता है, मैं किचन में काम करती हूँ, बर्तन की आवाज़ होती है, इसलिए उसे ऊपर ही बरामदे में वो पढ़ाई करता है।
तो थोड़ी सी चाय बच गई है तो वो मैं पी लेती हूँ, थोड़ी सी है, और मैं तो चाय की बहुत बड़ी शौकीन हूँ तो चाय वेस्ट क्यों करना, तो मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ जो है रात हो चुकी है, रात के खाने का टाइम हो चुका है, खाने का टाइम मतलब 8 बज रहे हैं, और पापा थोड़ा जल्दी खाते हैं इसलिए मैंने जो है दाल सब मतलब सब्जी वगैरह जो बना लिया है। तो यहाँ पे खीर बनी है और आलू परवल की भुजिया बनी है, तो बस जल्दी जल्दी मैं पराठे सेक दूँगी और सबको गर्मा गर्म खाने के लिए दे दूँगी। तो ये देखिए आज का ये रहा हमारा डिनर है, पराठा आलू परवल की भुजिया और खीर। तो बस मैं ये खाना सबको दे देती हूँ, तो ब्लॉग का भी एंड यहीं पे करती हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।